वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग ही है, कोई चैलेंज चैलेंज तो नहीं है। यस 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 बहुत हमें लग रही है छोटी सी भूख। छोटी सी भूख कैसे लगती है? हाँ, मेरे को पता है क्या कहती है, कहती है ना कुछ छोटा सा बना दो। हाँ, इसने मेरे को बोला, कह रही कुछ छोटा सा बना दो। मैंने क्या छोटा सा बना दो? छोटा सा मतलब कुछ सिंपल, कुछ हल्का फुल्का बना दो यार खाने के लिए। मैंने पहली बार सुना कि छोटा सा बना दो। सारे काम उससे करवाते और फिर बोलते मैंने बनाया। ये है पीछे की स्टोरी। बैग तो दिखाता ही नहीं है कोई कि हाँ ठीक है, बस कॉर्न कॉर्न भी क्या डाल दिया, बॉयल खुद हो रहे है भाई। कौन बॉयल कर? नहीं, मैं खुद मैं करता हूँ इसको, गैस को बंद करता हूँ, मैं बॉयल करूंगा, खुद नहीं होएंगे वो, मैं करूंगा। सारा काम पीछे के लोग करते हैं और कहते हैं मैं बनाता हूँ। सारे बंदे बोलेंगे कैसी लड़की है, बस पूरे व्लॉग में यही करती रहती है ये। कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा। और ये सबको पता है कि सबके पीछे घर के। और एक नई अपडेट, और ये हमारा हो गया फ्रिज चेंज। हाँ, ये वाला जो था, ऐसा लग रहा है ये बाबा ये बेटा है। हाँ, ये बाबा बेटा है। ये बड़ा अब ये वाला फ्रिज ले लिया और ये हमने OLX पे भेज दे। बहुत छोटा पड़ रहा था हमें। हाँ। जब हमने लिया, अभी हमने 3 महीने पहले लिया, हमने जब लिया तो हमने कहा चलो 2 बंदे यार क्या है। लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैंने कहा नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, और सामान ही नहीं आता था यार। हम वीक में एक बार शॉपिंग करते हैं, मतलब जो भी होता है सारी सब्जी वब्जी, सामान ही नहीं आता, कभी क्या गिर रहा है कभी क्या गिर रहा है। नहीं, नया फ्रिज नहीं है। हाँ, तो इसको अभी हमने ऑन नहीं करा है, ये अभी जस्ट हमने खोला ही है इसको पूरा बॉक्स, और अभी ये 3-4 घंटे के लिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे, फिर इसको ऑन करेंगे एज पर द इंस्ट्रक्शन बाय द कंपनी। या और आज, हाँ अच्छा, आज मूवी भी देखने चलेंगे ना। यस, आज मूवी भी देखने जाना है। कितना टाइम हो गया मूवी को रिलीज हुए जरा मुझे बताओ। हो गया मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हो गया। लास्ट वीक तो फ्राइडे को तो हुई है, अभी पीछे 10 दिन हो गए। इस फ्राइडे नहीं, पिछले हफ्ते 10 दिन हो गए, यही बोल रही हूं। हां ठीक है, आज हम जा रहे हैं फाइनली मूवी देखने, और माइट पॉसिबल कि आज भी ना लेके जाए मुझे। क्यों माइट पॉसिबल? माइट पॉसिबल पूरे व्लॉग में बस यही रोना ही है तुमने? यस, यही रो रहा है मैंने बस। यार ये तो बहुत मोटा मोटा हो रहा है इससे। तो वो डिपेंड, वो होता है ना कि ऐसे ये यूज, कौन सा तुमने यूज करा है? दिस वन। तो सबसे बारीक यही है। हाँ, यही तो है सबसे बारीक। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नो, आई गेस ये मोटा मोटा है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, फिर आप कह रहे हो ठीक है तो ठीक है भाई। तो यहाँ पर पक रहा है वाइट सॉस पास्ता, अब इसे कॉल कॉल हो गए हैं। मेरा गार्लिक छिल रहा है, छिल रही हूँ मैं गार्लिक। और अभी ये पास्ता बॉयल करेगा और हम आपको दिखाएंगे अपनी स्पेशल वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। दो आई लव इट, बट मैं डाइट पे हूँ, बट स्टिल मैं खा रही, क्योंकि ये सेमोलिना पास्ता है, ये मैदे वाला नहीं है, तो आई कैन ईट थोड़ा सा, फिर हम रात को खाएंगे कड़ी चावल। ठीक है, इट्स टाइम फॉर बॉइलिंग पास्ता। मुझे यार क्वांटिटी नहीं पता एक्चुअली, हमें कितना बॉईल करना चाहिए तुम्हें पता है क्या? हाँ, कितना देखो, थोड़ा बस, एक प्लेट बनेगा। श्योर? हाँ, एक ही प्लेट तो बना रहे हैं हम लोग। एक ही प्लेट? हाँ, थोड़ा नहीं डालते यार, दीदी आ जाएंगी, वो बना देंगी खाना, फिर क्या थोड़ा। ओ, चलो ठीक है फाइन, इतना बहुत है, ठीक है ना? ओके, यार वो मैंने वो पास्ता जो बॉय उसको मिक्स कर रहा था ना, एक बार डाल के शुभारी तड़का मारते तड़का सेट कर दो यार। कम ऑयल हो गया ना? लेकिन अभी वो सॉस बनाने के लिए तो डालना पड़ेगा बटर, मैदा किसमें होएगा फिर वो? हैं? शिवाली कुकिंग कर रही है, वो इतने ऑयल में कुकिंग करेगी। आए शिवाली की बात की दिया लगे भाई। ओ दाई अभी नहीं, बाद में डालेंगे,
वो मैदा खा गया सारा का सारा। मैदा खा गया ऑयल? यस। कैन यू सी एनी ऑयल? I cannot see, मैं मैदा भी नहीं देख पा रहा हूँ इसमें। क्योंकि वो भुन गया ना। भुन गया? हाँ। पता है इसको ना एक्चुअली ना अनियन और इसको ना लाल नहीं करते हैं। Oh my God। अब मैं देखो सारा का सारा दूध नहीं डालती, मैं थोड़ा पानी भी डालती हूँ इसमें। पानी भी डालोगे इसमें? या। मतलब मैं ऐसा करती हूँ। हर किसी का अपना तरीका होता है। मुझे लगता है कि दूध ज्यादा हो गया। अच्छा तो इसके साथ साथ ये बॉयल आता है। इतना सारा यार, थोड़ी सॉस अच्छी लगती है। हाँ नहीं वो तो है। अब पता है जैसे मेरे ये मेरे अनियन और ये है ना, ये मेरे ब्राउन हो गए हैं, ये नहीं होने चाहिए। अच्छा। कच्चे कच्चे ही रहने चाहिए, बट मैं कर देती हूँ ब्राउन। आई डोंट नो व्हाई, थोड़ी हमारी हैबिट रहती है ना इंडियन कुकिंग की, ब्राउन करना हमें कच्चा कच्चा नहीं अच्छा लगता। हाँ तो वो तो यार अनियन ऐसे या तो फिर देखो या तो क्यूब दो तो वो सॉटे हुए अच्छे लगते हैं। अगर आप कद्दूकस करके डाल रहे हो वो तो फिर पका होना चाहिए, वो कच्चा नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन रॉ अनियन का टेस्ट आएगा। लेकिन तो वही ना, लेकिन एक्चुअल में जो सॉस बनाते हैं ना उसमें गार्लिक जैसी डालते हैं ना, साथ साथ मैदा, देन वो ऐसे कर लेते हैं और साथ साथ ही इसमें अनियन डाल लेना। सॉस अलग से बनती है, ऐसा भी कर सकते हैं, बट मैं तो कट्ठा बना लेती। पर तब भी इसको वो नहीं करते अंशु, अलग से बना के नमक नहीं डालना इसमें। बाद में फट जाएगा दूध, अभी डालूंगी तो दूध फट जाएगा। नहीं फटेगा। बॉयल आने के बाद डालते हैं, मैं दिमाग मत खाओ। चलो ठीक है। थोड़ी सी ना क्रीमी क्रीमी सी बनेगी बस। अब इसको तेज कर देते हैं और थोड़ा सफाई कर लो। सफाई कर लो थोड़ी सी। साफ तो है ही, इसमें क्या है, बस अब ये तो हटाया बस, और क्या हो तो की मैंने हटा तो दिया था बाकी सामान। ओह ये मैं फेंक देता हूं। और मेरी सॉस कह रही मैं कह रही मेरी सॉस हो गई है रेडी। और मेरी सॉस हो गई है रेडी, बस अब इसमें पास्ता डालना है अलग ही। इसमें बस वो डालना है पास्ता, और ये जो आपको छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये सब हमने चीज डाल दिया, चीज जो कि आई सजेस्ट कि आप ना डालें सॉस में, आप पास्ता डालें उसके ऊपर डालें, क्योंकि गरम गरम पास्ता अजीब नहीं लगेगा, बट बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसा करें। तो ये हाँ हाँ डाल दो, कमॉन कमॉन यो। Now let me stir it. ये एक प्लेट तो नहीं बना, ज्यादा ही बन गया। मैं तो बोल रहा हूं ज्यादा बना। कॉर्न्स कम है। ओहो ये कॉर्न्स की कमी रह जाती है हर बार। अब थोड़ा सा इसको बॉईल आने देते हैं, थोड़ी सॉस और गाढ़ी हो जाएगी इसमें। और आप कह रहे थे सॉस ज्यादा, बोला नहीं आपने, अपने दानों की कसम खा के बोलो आपने नहीं बोला। ये हटेंगे नहीं दाने आपके, बताओ क्या आपने नहीं बोली ये चीज? नहीं बोली। कैमरा पे अंशु, कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहा लाइव। पहले ये हो रखा है रिकॉर्ड जो मैंने बोला। आई डोंट नो कि हो रहा है नहीं, मैं जरूर चेक करूंगी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है देख लो। हमारे पास तो रेडी हो गया। हम सुबह खा के दोपहर में भूख लगी और हम खा रहे हैं। आप पता कैसे बातें कर रहे हो? कैसे? क्या ही बोलूं हम, जैसे कि एक्चुअल में नहीं डांटते। क्या हो गया कि वो, मैं उसको कह रहा हूं तू देवदास बना। क्या हो गया, किसका वेट कर रही है? इसने कल रात का चिकन खाया हुआ है, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया। हमने सुबह ब्रेकफास्ट करके और अभी हमें फिर भूख लगी और हम फिर खा रहे हैं, लेकिन तू देवदास बन है ना, तेरे को भूख नहीं लगी है कुछ नहीं खाना है ना, उसको अपनी ट्रीट्स चाहिए बस है ना, तेरे को नहीं खाना कुछ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या, ये दो दिन मम्मी घर रह के आती है ये कुछ नहीं खाती, उसके बाद ये काजू के साथ था, पता चिकन मम्मी खिलाती है क्या खिलाती है, और दो दिन से खाना नहीं खा, मतलब दो टाइम से इसने खाना नहीं खाया। इट्स रेडी आई गेस, बस बन जा तो। ओह लेट्स सर्व इट। साहिल ये ब्लॉग देख के बोलेगा वाह क्या डाइटिंग हो रही है, वाह क्या डाइटिंग हो रही है,
डाइटिंग का पार्ट है व्हाइट सॉस पास्ता। पीएस ओ सॉरी एफआईआई, मैंने बटर कम डाला है इसमें। सही कह रही है ना, बटर बहुत कम डाला और ये पास्ता सूजी का है, ये मैदे का नहीं है, है कि नहीं? वैसे मैंने एक चम्मच डाला है इसमें, तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। एक चम्मच आधी चम्मच मेरी एक चीज स्लाइस डाली है, थोड़ा रिफाइंड भी डाला है, और इसमें इतना रिफाइंड तो जो सब्जी में डलता है उसे डबल डाल दिया, बटर भी डाला है, मैदा भी डाला है, बाकी सब ठीक है। वो तो है यार, वो तो मैं दे रही हूँ कि आप तो हमें देख के इसको भूख लग जाए। बाबू खा ले अपना खाना यार, खा ले, इट्स सो यम्मी यार, पेडिग्री कितना यम्मी होता है, पता है किसी को इसको मिलता भी नहीं है, एंड यू आर डूइंग दिस। आ जा यार खा ले यार, पास्ता खाएगी? नो पास्ता बेबी। कैसा बना? अच्छा बढ़िया। सीरियस है क्या? कैसी बोल रहे हो व्लॉग के लिए? टेस्ट कराओ। नाइस। मैं बनाऊँ और चीज़ अच्छी ना बने ऐसा हो सकता है? और इस बार भी आप गेम खेल कर दिया, गेम खेलती रहती है बस, जब देखो और कोई काम नहीं है इसको। एक संडे मिलता है मेरा मन करता है, 10 मिनट मैंने गेम नहीं खेली और इसे मुझे उठा देगी तो मैंने पैन किया था ये वाली गेम खेलनी है। तुम्हारे बोलने का फायदा, मैंने कैमरा बंद कर दिया था। और कैसी रही शॉपिंग आपकी? अकेले करने गया ना मैं शॉपिंग, बढ़िया हुई पता है? बढ़िया हुई? हाँ मतलब? मैं अकेले जाऊंगा आपसे ना तो मैं नहीं लेके जाऊंगा। क्यों? मैं कुछ भी बोलता हूँ ये अच्छा लग रहा है ऐसे करती हूँ यार। कितने मीन हो अंशु आप, कि वो देख रही है पापा चेंज होता जा रहा है। अभी मैंने बिंदास बेधड़क ऐसे चीज उठाई ऐसे ले ली। देखो गाइस ये सेम तीन चीजें लेके आया है, ये भी प्लेन, ये भी प्लेन, ये भी प्लेन, तीनों के तीनों। तो अब से मैंने डिसाइड करा ना कि मैं प्लेन ही पहनूंगा। क्यों? ऐसे ही मैं आई एम ग्रोन अप नाउ यार। अगर यही उठाना है तो मेरे से तब भी उठा लेते, मुझे लगा पता नहीं क्या ही चूज करना होगा आपने। लेकिन अगर मैं ये वाली चप्पल तुम्हारे सामने लेता ना तो मुझे मना कर देती लेने से। हाँ अच्छा है ना, ये अब से हम ऐसा ही करेंगे। आप अकेले शॉपिंग करना, मैं तो अकेले नहीं शॉपिंग करूंगी, मैं तो आपको लेके जाऊंगी भाई। दो अगर ये बोलेगा ये अच्छा नहीं है तो भी मैं ले लेती हूँ। मेरा जोर नहीं चलता ना तुम्हारी शॉपिंग में यार, मैं बोलता हूँ बेकार लग रहा है, तुम्हें अच्छा लगता है तुम ले लेती हो, और मैं जब शॉपिंग करता हूँ तुम बोलते हो कि नहीं अच्छा लग रहा, और मैं फिर मैं ले नहीं पाता। तो आपकी मर्जी है, मैंने आपको मना किया लेने से। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई ऐसे, अगर कोई भी ऐसे टोका टाकी हो फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। नहीं यार मेरे को अच्छा लगता है और अगर इसको अच्छा लग रहा तो मैं ले लेती हूँ, कोई बात नहीं अच्छा लगेगा मुझे पता यार, अपने को पता होता है ना अपने ऊपर क्या लगेगा। सही, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए अब से मैंने क्या कहते हैं डिसाइड करा है कि अब मैं शॉपिंग प्लेन करूंगा, मस्त प्लेन करूंगा, अकेले करूंगा, अकेले करूंगा और प्लेन करूंगा। चलो ठीक है गाइस, ये अब ये इसने बिल्कुल ये बिल्कुल वो हो गया है, ये आज के बाद अकेले ही शॉपिंग पे जाएगा, इसी ने खुद से बोला है। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी इसके साथ, और ये अच्छा भी है, मैं अपना नहा धो गई, मैं अपना रेडी हो गई और ये अपनी शॉपिंग करा है, वरना मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा खराब होता। खराब करता, खराब नहीं मतलब बेटा ये भी रिकॉर्डेड है बेटा। हाँ तो अभी हम एक वीडियो शूट करके हटे हैं, चैलेंज वीडियो के बाद ये करना पड़ता है। हाँ ये सारी मेहनत वीडियो के बाद, दाल अलग कर रही हूँ, मेरे पति ने मिक्स कर दिया सारा मैस, अभी यहाँ से ठीक करना है। और अब बस हम इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करेंगे,
अगर आपको हमारे पास्ता की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे ट्राई भी कीजिएगा, बनाइएगा, और अगर आपका पास्ता अच्छा बन जाए तो हमें बताइएगा। प्लीज़ डू कॉमेंट बिलो कि मेरा पास्ता कैसा बना। तो इस व्लॉग को अब यही एंड करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, और चाहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। Currently signing out. Bye. 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 Bye.